नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ड्राइंग समझाने वाला हूँ स्टार्टर की। डायरेक्ट लाइन स्टार्टर है ये, और इसका स्टार्टर का ड्राइंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये जो स्टार्टर है दोस्तों, ये कंप्रेसर में हमने यूज़ किया है। कंप्रेसर में होता ये है दोस्तों कि हमको जब एयर भर जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, और जब एयर उसका खाली हो जाए उसके लिमिट सेट करने के उसके बाद, जो जैसे 5 kg 10 kg पे सेट है, उतना भर जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। मैनुअल बंद करने के लिए कितनी बार ऑपरेटर आएगा, तो उसके लिए ये हमने वायरिंग में कुछ चेंजेस किए हैं स्टार्टर की, और इस वायरिंग से आप मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैनुअली आप परेशान हो जाओगे कितनी बार आप बंद करने आओगे, चालू करने आओगे, और टैंक जो है उसका फटने का भी चांसेस रहता है ध्यान नहीं रखेंगे तो। तो ये जो वायरिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इसमें आप वायरिंग करेंगे तो आपका ये ऑटो में आपका जो है ये चलेगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ ड्राइंग। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा RYB सप्लाई है, और ये जो है NONC का पॉइंट है कॉन्टैक्टर का, ये कॉन्टैक्टर है, और ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और इसका जो आउटपुट सप्लाई है दोस्तों, ये RYB, ये जो है हमारे मोटर के लिए है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोटर, ये जो मोटर की सप्लाई दे देंगे हम यहाँ पे। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये मोटर का आउटपुट जो है, मोटर की सप्लाई जो है इसमें मोटर में चली जाएगी, और हमारा जो इनपुट की सप्लाई है ऊपर से हम मैंने जो RYB लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग, वहाँ से आ जाएगा। चलिए मैं इसका प्रेशर गेज स्विच बना लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर A1 टर्मिनल है कॉन्ट्रैक्टर का, और A2 टर्मिनल है। इसी में हम लोगों को जो है इसी में वायरिंग में चेंजेस करना है, क्योंकि हमको कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल की सप्लाई को ही कंट्रोल करना है जिससे कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे NONC बना रहा हूँ। ये देखिए NONC, इसको आप प्रेशर गेज स्विच भी बोल सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कंप्रेसर में कहाँ पर लगा रहता है, और ये किस तरीके का होता है ये प्रेशर गेज स्विच। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, NONC पॉइंट है खाली। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको बना दिया है। ये ऊपर का NC, ये ऊपर का दोनों NC है दोस्तों, और नीचे का NO है। ऊपर का NC और नीचे का NO, ये देख लीजिए आप लोग। और कुछ इस तरीके का, ये देखिए अब तक आप लोग इसको ड्राइंग को समझ गए होंगे, ये अब तक इसमें इतना ही है। अब देखिए ये जो मेन सप्लाई है, इनपुट जो है कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग दे रहे हैं। ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर का R फेस Y फेस कनेक्ट कर दिया, उसके बाद B फेस हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए B फेस कनेक्ट किया हमने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आपका सप्लाई, मेन सप्लाई जो भी है इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं, ये उसका सप्लाई है। देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा ड्राइंग बना रहा हूँ मैं आपको, और आपको मैं ये दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग सप्लाई देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को हमने वाई फेस से उठा करके A1 टर्मिनल को डायरेक्ट दे दिया है, और आपका R फेस को उठा करके आपका प्रेशर गेज जो स्विच है, प्रेशर स्विच है, उसमें लाया है NC के पॉइंट में, और NC का जो आउटपुट है उसको उठाया है, और आपका कॉन्ट्रैक्टर का NC पॉइंट में इसको कनेक्ट कर दिया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो दूसरा NC पॉइंट है उसको A2 में कनेक्ट कर दिया है। ये सीरीज़ में कनेक्शन हो गया दोस्तों। ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके का सिंपल सा ड्राइंग है। इसमें ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा ड्राइंग है। आप इसको समझ जाएंगे तो आपको किसी भी कंप्रेसर में इसको ऑटो में आप स्टार्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू। तो आप देख लीजिए ओवरलोड, और जो भी है यहाँ पे देख लीजिए कॉन्ट्रैक्टर, NONC की वायरिंग आप ध्यान में रखिए। NONC की वायरिंग ध्यान में रखेंगे तो आपको दूसरा कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं। मेरा इस कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है दोस्तों, वो 440 का है, 440 वोल्टेज, 220 का भी आता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कॉइल कितने का है। तो ये मेरा 440 का है, तो मैंने उसके हिसाब से इसको सप्लाई दी है। अगर 220 होगा तो आपको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए अलग से वायरिंग करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए जो प्रेशर गेज स्विच मैं आपको बता रहा था, ये वही है। इसमें ऑन ऑफ करने के लिए भी है। ये देखिए मैं आपको ये वाला दिखा रहा था ना, जो प्रेशर गेज स्विच है, ये उसी का NONC पॉइंट है। देख लीजिए आप, उसी में हमको ऑन ऑफ करने के लिए उसको ही दबाना है, चालू करना है। देख लीजिए, आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये ऊपर का दोनों NC और नीचे का NO,
एनओ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनसी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एनसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल इसको करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये प्रेशर गेज स्विच है, इसको मैंने अब स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और स्टार्ट करने के बाद ये देखिए धीरे धीरे प्रेशर जो है बढ़ रहा है, और हमने इसको 10 केजी पे सेट किया है। ये टोटल इसका कैपेसिटी जो है दोस्तों, ये 18 केजी का है, 20 केजी का है, 18 से 20 केजी इसमें टोटल कैपेसिटी है, लेकिन हमने इसको 10 पे ही सेट किया है। मैक्स नहीं करना है, आधा ही करना है, कमी हमेशा आप सेफ्टी पॉइंट से आधा ही करिए। मैकेनिकल जितना सेट है उतना ही करिए। इसका मैकेनिकल जो है 10 केजी पे सेट है, तो मैं 10 केजी के लिए इसको कर दिया हूँ। ये देखिए जो वायरिंग मैंने किया हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ कुछ किस तरीके से मैंने इसका वायरिंग किया है। ये देखिए जिस हिसाब से मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, सेम उसी तरीके से मैंने इसमें वायरिंग किया है। ये देखिए हमारा यहाँ पे 5 केजी तक भर गया है, और जितने जैसे ही एयर भर जाएगा ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये देखिए प्रेशर स्विच की डिटेल है कि ये कितने पे कितने केजी तक ले सकता है, कितना केजी क्या है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए हमारा 10 केजी होने वाला है, और ये हमारा इंजीनियर है दोस्तों जो जिन्होंने हमारे इस ड्राइंग में सहयोग किया है और उन्होंने काम किया है। देखिए हमारा 10 केजी भर गया और हमारा मोटर जो है बंद हो गया है। देखिए आप लोग यहाँ पे 10 केजी भर गया है, मोटर बंद हो गया है। अब ये इंजीनियर साहब जो है ये देखिए एयर को रिलीज़ कर रहे हैं। एयर को जैसे रिलीज़ करेंगे ये देखिए धीरे धीरे आपका प्रेशर जो दिखा रहा है वो कम होगा, और ये 7 केजी पे जैसे ही जाएगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आप मोटर का व्हील की तरफ ध्यान दीजिए और यहाँ पर प्रेशर स्विच में भी ध्यान दीजिए। देखिए चालू हो गया, जैसे ही कम हुआ वैसे चालू हो गया। तो आपका इसी तरीके से ये काम करेगा। ये बहुत ही ईजी डायग्राम है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो भी डायग्राम आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने कंप्रेसर के इसमें यूज़ में ले सकते हैं। जिस भी कंप्रेसर में डायरेक्ट मैन्युअली आपको ऑन ऑफ करना पड़ता होगा, उसमें आप उसको ऑटो इस ड्राइंग के थ्रू आप उसको ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली जाके चालू बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग आशा करता हूँ ये ड्राइंग समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फैलाइए। दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो मेरे इस चैनल पर डालता रहता हूँ ड्राइंग के साथ, और आपको फिजिकली भी दिखाता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।